राजस्थान की सियासत में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीमल मीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनके इस्तीफों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, जबकि उनके सहयोगियों की ओर से कहा जा रहा था कि वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि अब मीना ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भजन लाल को भेज दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा चुनाव परिणाम आने के ठीक एक महीने बाद दे दिया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले मीणा समुदाय से एक दिग्गज नेताओं में शुमार है। पिछले साल दिसंबर में राजस्थान में बनी बीजेपी की भजन लाल सरकार में वो कृषि मंत्री बनाए गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के दौरान उन्होंने ये दावा किया था और वादा भी किया था कि उनके प्रभार क्षेत्र में आने वाली 7 सीटों में से बीजेपी अगर एक भी सीट हार गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब उन्होंने पूर्वी राजस्थान में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ीलाल मीना ने 17 मई 2024 ये वादा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 अप्रैल को चुनाव प्रचार को लेकर रोड शो के लिए जब दौसा गए थे तब उन्होंने मुझे यहाँ की 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। अगर इन 7 सीटों में से एक भी सीट हार गए तो मैं कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि चुनाव परिणाम से एक दिन पहले 3 जून को किरोड़ीलाल मीना ने फिर ये बात दोहराई कि अगर बीजेपी को 7 में से एक भी सीट पर हार मिली तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी नेता किरोड़ी के प्रभार के तहत राज्य के दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, भिलवाड़ा, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और जयपुर ग्रामीण की सीटें थीं। पिछले महीने आए लोकसभा के नतीजों में बीजेपी को 7 में से 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर के बाद जीत मिली। चुनाव परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया में किरोड़ीलाल मीना के इस्तीफे को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए लिखकर इस्तीफे के कयास को हवा दे दी। करीब एक महीना गुजर गया लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि इस दौरान वो सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखाई दिए। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस के नेताओं ने भी किरोड़ीलाल मीना के इस्तीफे को लेकर उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासर ने तंज कसते हुए कहा था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना अपने वादे के पक्के हैं, देख लेना, वो इस्तीफा जरूर देंगे। कांग्रेस के महासचिव जसवंत सिंह गुर्जर ने भी किरोड़ीलाल को सोशल मीडिया एक्स पर ट्रोल करते हुए लिखा था, झूठा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, तेरे वादे का क्या, गाना पुराना है किंतु सटीक है। वहीं किरोड़ीलाल के भतीजे और महवा सीट से विधायक राजेंद्र मीना ने भी, वो बिना वादा करके कभी मुकरते नहीं, वो जो कहते हैं पूरा करते हैं, धैर्य रखिए, वो इस्तीफा जरूर देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। 15 जून को माउंट आबू के दौरे पर निकले किरोड़ी के इस्तीफे के सवाल पर कहा था कि इस्तीफे की बात कह दी है तो अब देना ही पड़ेगा।